हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द टेस्ट ऑफ इंडिया। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अंकुरित अनाज की चाट। ये चाट बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इसके लिए मैंने लिए हैं 3 प्रकार के अनाज। मैंने आधा बाउल से भी कम लिए हैं मोठ, और एक बड़ा बाउल भर के लिए मैंने मूंग, और आधा बाउल से भी मैंने कम लिए हैं काले चने। आप इनको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। एक बाउल के अंदर मैंने तीनों प्रकार के अनाज डाल दिए हैं। तीनों को मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने उसके अंदर एक गिलास पानी डाला है। पहले मैंने एक गिलास पानी से उन्हें धो लिया है, और दोबारा मैंने एक गिलास पानी डाल के उन्हें छोड़ दिया है। फिर मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। फिर मैंने 8 से 10 घंटे उन्हें भीगने के लिए छोड़ दिया है। 8 से 10 घंटे बाद में फ्रेंड्स देखिए अच्छे से भीग के तैयार हो गए हैं। फिर मैंने अच्छे से 2 बार इन्हें साफ़ पानी से धो लिया है, और चलनी में इस प्रकार से पानी को छान लिया है। फिर मैंने एक बाउल के अंदर इस प्रकार से एक सूती कपड़ा रखा है, और मैंने सारे अनाज को इस प्रकार उसके अंदर डाल दिया है, और मैंने इस प्रकार से अनाज को पोटली के अंदर पैक कर लिया है। इस प्रकार से टाइट पैक करना है, और मैंने थोड़े से धागे या किसी कपड़े से दोबारा मैंने इसे बांध दिया है। इस प्रकार से फ्रेंड टाइट बांधना है ताकि अंकुरित अच्छे से हो सके। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही टाइट बांधी है मैंने, तो इस प्रकार से आप भी टाइट बांधिएगा। फिर मैंने इस पोटली को रात भर के लिए मैंने इस पोटली को अच्छे से रख दिया है, ताकि सारे अनाज अच्छे से अंकुरित हो जाए। इस प्रकार से सुबह मैंने वापस से इस पोटली को खोल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, टाइट बनने के कारण ये बहुत ही अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। सारे अनाज अच्छे से अंकुरित हो गए हैं, तो मैंने इस बाउल के अंदर अनाज को निकाल लिया है और कपड़े को हटा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से अंकुरित होकर तैयार है। सभी अनाज अंकुरित हो गए हैं और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। फिर मैंने 2 बारीक कटे टमाटर, 2 बारीक कटे प्याज, और 2 बारीक कटी हरी मिर्च, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 नींबू का रस, और 1 चम्मच नमक, और थोड़े से खड़े मसाले लिए। मैंने 1 तेज़पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च लिए, और मैंने मैगी मसाला पाउच लिया है, और सभी अंकुरित को अच्छे से धो के तैयार कर लिया है। फिर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गर्म कर लिया है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा और 3 से 4 कड़ी पत्ते तड़का लिए हैं। फिर उसके अंदर मैंने 1 तेज़पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च डाली है। अच्छे से तड़कने के बाद मैंने हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च अच्छे से पकने के बाद मैंने प्याज डाले हैं। प्याज अच्छे सुनहरे होने के बाद मैंने उसके अंदर टमाटर डाले हैं। टमाटर अच्छे से पकने के बाद, गल जाने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाला है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और हल्दी डाली है। फिर मैंने अच्छे से मसाला पका लिया है। अच्छे से मसाला पकने के बाद मैंने अंकुरित मूंग, मोठ और काले चने उसमें डाल दिए हैं। फिर 2 मिनट पकने के बाद मैंने उसके अंदर नींबू का रस डाला है, और 2 मिनट पकाया है, और फिर मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और प्लेट में निकाल लिए। पौष्टिक अंकुरित अनाज की चाट तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर बना के देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।